हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग स्टडी कर रहे हैं पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग का। पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? कोलिनर्जिक ड्रग के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर नाम क्या कह रहा है? पैरासिम्पैथोमाइमेटिक मतलब मिमिक्री करने वाले। ऐसे माइमेटिक का मतलब क्या हुआ है? ऐसे एजेंट्स जो कि मिमिक्री करें। किसकी मिमिक्री करें? तो सेम उसी कंपाउंड की मिमिक्री करें जो कि इंडोजीनियस कंपाउंड है, मतलब जो बॉडी में पहले से बना हुआ कोई हार्मोन है या फिर कोई न्यूरोट्रांसमीटर है, सेम उसके जैसा जो वर्क करता है उसे हम क्या कहते हैं? माइमेटिक ड्रग कहते हैं। तो यहाँ पर जो ड्रग है वो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग है, मतलब किसकी मिमिक्री कर रहा है? जैसा कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का स्टिमुलेशन होता है उसी के जैसे वर्क करने वाले एजेंट्स को हम कहेंगे पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स। इन्हीं ड्रग्स को हम कोलिनर्जिक ड्रग्स कहते हैं क्योंकि सिंपैथेटिक सिस्टम जो होता है उसके लिए जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो एसिटाइल कोलिन होता है, इसीलिए इस को हम कोलिनर्जिक ड्रग्स भी कहते हैं। एसिटाइल कोलिन जो सिंथेसाइज होता है लोकली इन द कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग्स, मतलब जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व का एंड होता है वहीं पर लोकली एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस होती है। एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस होने के लिए ATP प्लस एसिटेट प्लस कोएंजाइम ए, इन तीनों के बीच रिएक्शन होता है। यहाँ पर एसिटेट एक्टिवेटिंग रिएक्शन हो रहा है जिससे फॉर्मेशन होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए का। अब यहाँ पर कोलीन एसिटाइलेज एंजाइम कैटालाइज करता है रिएक्शन को और कोलीन इंटर करता है इस रिएक्शन में, तो फॉर्मेशन होता है एसिटाइल कोलीन का प्लस कोएंजाइम ए का। ये लोकली फॉर्मेशन हो गया एसिटाइल कोलीन का। एसिटाइल कोलीन जब एक बार रिलीज हो जाता है अपने वेसिकल से और सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आ जाता है तो वहाँ पर प्रेजेंट होता है एक एंजाइम जिसका नाम है कोलीन स्टेरेज एंजाइम। इससे ये कोलीन और प्लस एसिटेट में इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है, तो अगेन ये कोलीन रीयूज होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कोलीन। तो इस तरीके से इसका सिंथेसिस चलता है। ये जो है प्रीसिनेप्टिक नर्व एंडिंग है, प्रीसिनेप्टिक नर्व एंडिंग है, यहाँ पर ये वेसिकल के अंदर एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस हो रही है जहाँ पर ATP प्लस एसिटेट प्लस कोएंजाइम मिलकर एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस किए। एसिटाइल कोलिन जो है वो रिलीज हुआ सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आया, ये पोस्ट सिनेप्टिक नर्व है। यहाँ पर एसिटाइल कोलिन के लिए रिसेप्टर्स अवेलेबल होते हैं। ये एसिटाइल कोलिन या तो इन रिसेप्टर से बाइंड होता है या तो फिर यहाँ पर एसिटाइल कोलिन एस्टेरेज एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि इसकी हाइड्रोलिसिस कर देता है जिससे कि यहीं पर इसकी एक्शन खत्म हो जाता है, या फिर कुछ जो एसिटाइल कोलिन होते हैं वो रीअपटेक कर लिए जाते हैं। यहाँ पर इसके ऑटो रिसेप्टर होते हैं, जो मस्कलिनिक रिसेप्टर है वो इसका ऑटो रिसेप्टर होता है। जब एसिटाइल कोलिन का अमाउंट यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है तब एसिटाइल कोलिन इस तरफ के रिसेप्टर से बाइंड होने के साथ साथ में वो अपने जो प्री सिनेप्टिक नर्व एंडिंग पर जो रिसेप्टर है जिसको हम ऑटो रिसेप्टर कहते हैं, यहाँ पर एसिटाइल कोलिन के लिए मस्कलिनिक रिसेप्टर ही ऑटो रिसेप्टर की तरह वर्क करता है, तो उससे बाइंड हो जाता है। जब वो उससे बाइंड हो जाता है तब ये जो फर्दर रिलीज है एसिटाइल कोलिन का ये इसको इनहिबिट कर देता है, तो यहाँ पर इसका रिलीज रुक जाता है। इसके अलावा कुछ टॉक्सिन्स हैं जो कि एसिटाइल कोलिन के रिलीज को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि ये बोटुलिनम टॉक्सिन है। बोटुलिनस टॉक्सिन्स जो होते हैं ये क्या करते हैं? एसिटाइल कोलिन के रिलीज को अफेक्ट करते हैं, रिलीज को इनहिबिट कर देते हैं। जो एसिटाइल कोलिन का रिलीज हो रहा है उसको इनहिबिट कर देते हैं बोटुलिनस टॉक्सिन। इसी तरीके से जो हेमिकोलिनियम होता है वो जब एसिटाइल कोलिन का ब्रेकडाउन होता है थ्रू एसिटाइल कोलिन एस्टेरेज एंजाइम, तो कोलिन सेपरेट होता है और एसिटेट सेपरेट होता है, तो उसके कोलिन का जो रीअपटेक हो रहा है फॉर द फर्दर सिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन उसको इनहिबिट कर देता है। तो हेमिकोलिनियम कोलिन के वापस से अपटेक को इनहिबिट कर रहा है जबकि बोटुलिनस टॉक्सिन इसके रिलीज को ही इनहिबिट कर रहा है। देखते हैं हम कोलिनोरिसेप्टर्स, कितने रिसेप्टर्स होते हैं एसिटाइल कोलिन के लिए। तो जनरली दो रिसेप्टर्स अवेलेबल हैं, एक का नाम है मस्कलिनिक रिसेप्टर और एक का नाम है निकोटिनिक रिसेप्टर। मस्कलिनिक रिसेप्टर जो है वो एक जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है जबकि निकोटिनिक रिसेप्टर लिगेंड गेटेड कैटायन चैनल है। तो इस तरीके से ये वर्क करते हैं। हमने अपने पहले की वीडियो में कैसे फंक्शनिंग होती है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर की या फिर लिगेंड गेटेड आयन चैनल किस तरीके से वर्क करते हैं इसका वीडियो पहले से ही अपलोड है यूट्यूब चैनल पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसका लिंक दे देंगे, आप इसको देख लीजिएगा कि कैसे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर या लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स इसमें वर्क करते हैं, इनका फंक्शन किस तरीके से होता है।
यहाँ पर हम केवल इनके वर्क के बारे में बात कर रहे हैं कि वो क्या करेंगे, मतलब फाइनल रिजल्ट क्या होगा, किस तरीके से वो एक्ट किए, हम लोग इतने डिटेल में यहाँ पर नहीं जाएंगे। केवल आपको ये बताएंगे कि जब मस्करिनिक रिसेप्टर से बाइंड होगा तो उसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा। इसके बाद हम देखते हैं मस्करिनिक रिसेप्टर, एक एक करके दोनों रिसेप्टर्स को देख लेते हैं। मस्करिनिक रिसेप्टर जो है, इसके लिए जो एगोनिस्ट होता है वो मस्करिन होता है। मस्करिनिक रिसेप्टर के लिए जो मेन एगोनिस्ट है वो मस्करिन है, एंटागोनिस्ट जो है एट्रोपिन है। कहाँ कहाँ पर होते हैं ये मस्करिनिक रिसेप्टर, बॉडी के किस किस पार्ट में होते हैं ये मस्करिनिक रिसेप्टर? तो इसके लिए साइट है हार्ट, ब्लड वेसल्स, आई, स्मूथ मसल्स, ग्लैंड्स ऑफ GIT, रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड यूरिनरी ट्रैक, स्वेट ग्लैंड्स एंड CNS। इतनी जगहों पर मस्करिनिक रिसेप्टर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मस्करिनिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अब मस्करिनिक रिसेप्टर्स के कितने सब टाइप्स हैं? मस्करिनिक रिसेप्टर के सब टाइप्स हैं M1 रिसेप्टर, ये 5 सब टाइप्स में डिवाइडेड है, M1, M2, M3, M4, M5। तो मस्करिनिक रिसेप्टर 5 सब टाइप्स में डिवाइडेड है, M1, M2, M3, M4, M5। इसमें से M1, M2 और M3 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है और इनकी वजह से मैक्सिमम फंक्शंस जो होते हैं वो एसिटाइलकोलाइन के अराइज होते हैं। M1 न्यूरोनल रिसेप्टर, ये क्या है? न्यूरोनल रिसेप्टर मतलब नर्व में प्रेजेंट होने वाला रिसेप्टर है M1 रिसेप्टर। तो ये न्यूरोनल रिसेप्टर है, लोकेटेड ऑन गैंग्लियन सेल एंड सेंट्रल नर्वस कॉर्टेक्स, हिप्पोकैम्पस एंड कॉर्पस स्ट्रेटम। ये जो ब्रेन में, आप एक वर्ड में कह सकते हैं कि ब्रेन में ये प्रेजेंट होता है M1 रिसेप्टर। और ये किस किस चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो गैस्ट्रिक सेक्रेशन, रिलैक्सेशन ऑफ लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। इसके लिए जो एगोनिस्ट है M1 रिसेप्टर के लिए वो है ऑक्सोट्रिमोरिन और एंटागोनिस्ट है पाइरेनचेपिन एंड टेलेंजेपिन। ये M1 रिसेप्टर, ये आप कह सकते हैं कि ये रिसेप्टर ब्रेन में है और मेनली इसका वर्क किसके में है? गैस्ट्रिक सेक्रेशन में है और जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है उसको रिलैक्स करता है, ये इसका मेन फंक्शन होता है M1 रिसेप्टर का। इसके लिए एगोनिस्ट ऑक्सोट्रिमोरिन है और एंटागोनिस्ट पाइरेनचेपिन या टेलेंजेपिन है। M2 रिसेप्टर, ये कार्डियक रिसेप्टर होते हैं। M2 रिसेप्टर कार्डियक रिसेप्टर होते हैं और जब ये हार्ट में होते हैं तो वहाँ पे ब्रैडीकार्डिया इंड्यूस करते हैं। M2 रिसेप्टर ही इसके ऑटो रिसेप्टर है, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की ऑटो रिसेप्टर का। तो ये M2 रिसेप्टर जो है ऑटो रिसेप्टर्स भी होते हैं जो कि प्री सिनेप्टिक नर्व पर प्रेजेंट होते हैं। इसके लिए जो एगोनिस्ट है वो है मिथाकोलिन और एंटागोनिस्ट है मेथोट्रामिन और ट्राइप्यूटामिन। M3 रिसेप्टर, ये प्रेजेंट होते हैं विसरल स्मूथ मसल्स में। विसरल स्मूथ मसल हम उन मसल्स को कहते हैं जो कि हमारे विसरल ऑर्गन्स में हैं। स्केलेटल मसल से अलग होते हैं ये इनका स्ट्रक्चर और ये हमारी मर्जी से काम नहीं करते हैं। इनमें जो भी वर्क होता है वो स्टिमुलेशन से होता है, जो नर्व स्टिमुलेशन है उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्क होता है। जैसे ब्लड वेसल्स हो गए, एब्डोमिनल रीजन के जितने ऑर्गन हैं उनमें हो गया, लंग्स हो गए, तो ये सारे क्या है हमारे विसरल स्मूथ मसल्स हैं इन जगहों पर। तो इस विसरल स्मूथ मसल्स में M3 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है और ये मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन इंड्यूस करता है और अगर ग्लैंड में है तो वहाँ पर ग्लैंडुलर सेक्रेशन करता है, मतलब ग्लैंड से सेक्रेशन करवाता है। इसका जो एगोनिस्ट है वो है बेथानिकोल और एंटागोनिस्ट है हेक्साहाइड्रोसिलाडिफेनिडोल या फिर डेरीफेरासिन, ये इसके लिए एंटागोनिस्ट हैं। तो इस तरीके से ये हमारे तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, M1 ब्रेन में है, M2 हार्ट में है और M3 विसरल स्मूथ मसल में है। इतना ये तीन आप लोगों को याद होना बहुत ज़रूरी है। M4 और M5 का भी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि ये कहाँ पर है और इनका वर्क किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन ये हिप्पोकैम्पस एंड सबस्टेंसिया निग्रा जो कि ब्रेन का ही पार्ट है वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं M4 एंड M5। हमारे लिए ये तीन रिसेप्टर इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद फिर हम आते हैं M1, M3 और M5 रिसेप्टर। ध्यान रखेंगे M1, M3 एंड M5 रिसेप्टर जो होते हैं वो फंक्शन करते हैं थ्रू GQ प्रोटीन जो IP3 डेक पाथवे से वर्क करता है। आप हमारे प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा कि क्या होता है IP3 डेक पाथवे, किस तरीके से ये वर्क करता है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक्साइटेड नेचर के होते हैं ये जो नेचर है इन रिसेप्टर्स का M1, M3, M5 का, वो एक्साइटेटरी है, मतलब जब भी एसिटाइलकोलाइन इन रिसेप्टर से बाइंड होगा तो वहाँ पर एक्साइटेटरी स्टिमुलस इंड्यूस करेगा जिससे कि जो फंक्शन होगा अगर है तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन या फिर कुछ भी चीज़ स्टिमुलेट होगा, स्टिमुलेटरी फंक्शन करेगा, एक्साइटेटरी नेचर का होता है ये।
जबकि M2 M4 रिसेप्टर्स जो होते हैं ये पोटेशियम चैनल को ओपन करके वर्क करते हैं, इसलिए ये इनहिबिटरी नेचर के होते हैं। यहाँ पर हाइपरपोलराइजेशन इंड्यूस होता है, क्योंकि पोटेशियम चैनल का जब ज़्यादा इन्फ्लक्स होने लगता है सेल में तब वहाँ पर हाइपरपोलराइजेशन हो जाता है। तो इस तरीके से ये इनहिबिटरी नेचर का होता है, मतलब जैसे कि ये हार्ट में है M2 रिसेप्टर, तो हार्ट में ये प्रेडिकार्डिया या हार्ट रेट को स्लो करने का काम कर रहा है। इसी तरीके से M4 रिसेप्टर भी है, तो ये हमेशा याद रखिएगा कि रिसेप्टर किस टाइप का है, किस तरीके से एक्ट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसका फंक्शन होगा। हम फिर बात करते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर की। निकोटिनिक रिसेप्टर के लिए जो एगोनिस्ट है वो है निकोटिन, और जो एंटागोनिस्ट है वो है ट्यूबोक्यूरारिन या फिर हेक्सामेथोनियम। निकोटिनिक रिसेप्टर दो, इसके दो सब टाइप्स हैं, एक होता है NM रिसेप्टर और एक होता है NN रिसेप्टर। NM, M से याद रखिएगा मस्कुलर, मसल्स को इंडिकेट कर रहा है, और N जो है वो नर्व को इंडिकेट कर रहा है। तो NM रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं मेनली स्केलेटल मसल्स एंड प्लेट में, यहाँ पर ये कॉन्ट्रेक्शन इंड्यूस करते हैं। स्टिमुलेटेड बाई फिनाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम, जिसे हम PTMA भी कहते हैं, और ब्लॉक होता है ट्यूबोक्यूरारिन से, ये ओपन करते हैं सोडियम चैनल को या पोटेशियम चैनल को। NN, ये प्रेजेंट होता है गैंग्लियोनिक सेल में, सिंपैथेटिक एज वेल एज पैरासिंपैथेटिक, दोनों तरह के गैंग्लियोनिक सेल में NN रिसेप्टर्स अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा एड्रिनल मेडुलरी सेल्स एंड इन स्पाइनल कॉर्ड एंड सर्टेन एरिया ऑफ ब्रेन, कहाँ कहाँ पर और प्रेजेंट है, एक तो गैंग्लियोनिक सेल में प्रेजेंट है, दूसरा एड्रिनल मेडुलरी सेल्स में प्रेजेंट है, स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट है, और ब्रेन के कुछ एरिया में प्रेजेंट है। ये स्टिमुलेट होते हैं डाइमिथाइल फिनाइल पाइप्राजीनियम से, जिसे हम DMPP भी कहते हैं, और ब्लॉक्ड होता है हेक्सामेथोनियम से। जो NN होते हैं ये ओपन करते हैं सोडियम चैनल को, पोटेशियम चैनल को, कैल्शियम चैनल को, इस तरीके से ये फंक्शन करते हैं। तो यहाँ पर बात हो गई इसके डिस्ट्रीब्यूशन की, कि कहाँ कहाँ पर ये रिसेप्टर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे की वीडियो में हम इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे, कौन से ड्रग इस कैटेगरी में आते हैं और उनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन कैसा है।